हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं दूध पनीर की रेसिपी, पनीर रिजाला। तो इसके लिए हमें चाहिएगा काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है, 2 हरी मिर्च ली थी, लगभग 2 चम्मच मैंने खसखस लिया है, इसे 1/2 घंटा हमें भिगो के रखना है, 8 से 10 काजू लिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, 1 तेज पत्ता चाहिएगा और 1/2 कप यहाँ पर दूध लिया है मैंने, 200 ग्राम पनीर ले लें। तो आइए पहले हम पेस्ट रेडी करते हैं। खसखस और काजू को एक मिक्सर जार में डाल लें और इसे अच्छे से पेस्ट बना लें। इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी होना चाहिए, ये देखिए। अब एक पैन में लगभग 2 बड़े चम्मच हमें तेल लेना है और पनीर को हमें इसमें फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम लो रखें। पनीर के मैंने इसमें पीसेस सारे डाल दिए हैं और पनीर का साइड हम बदल लेते हैं ताकि ये नीचे से लगे ना। दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। अभी गैस को बंद कर लें और अब मैं पनीर को प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी पैन में मैंने 1 तेज पत्ता डाल लिया है, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाला है, 2 हरी मिर्च ली थी मैंने और 1/2 इंच अदरक लिया था, उसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। ये देखिए, काजू का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ अभी मैं। और इसे अब हमें चलाते रहना है। 1/2 कप पानी और फिर से अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पेस्ट डालने के बाद हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि ये पेस्ट नीचे लग जाता है तली पे। ये देखिए, अब हम इसे मसाले डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया है चीनी, 1/4 चम्मच ली है काली मिर्च का पाउडर। अब इन सब मसालों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, 1/2 कप मैंने दूध लिया है। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। लगभग अभी 3 से 4 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और बॉईल आने तक हमें इसे कुक करना है। बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद में हमें लगभग 3-4 मिनट और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। ये देखिए, हमें चलाते रहना है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर से अब इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए, लगभग 4 मिनट के बाद में लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक करा था। ये देखिए, तेल अभी सेपरेट होने लग गया है, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये एक व्रत स्पेशल रेसिपी है, इसमें ना तो प्याज ना लहसुन डाला है, तो ये हम किसी भी व्रत पे खा सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।